नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में देश की महिला हॉकी टीम भले ही मैच नहीं जीत सकी, लेकिन हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। शुक्रवार को ब्रिटेन और भारत की महिला हॉकी टीमों का कांस्य पदक के लिए मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने जबरदस्त संघर्ष किया। कड़े मुकाबले में टीम भले ही पदक से चूक गई, लेकिन खेल देख करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसके संघर्ष की तारीफ करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों के अंत तक यानी आखिरी तक काफ़ी संघर्ष किया है। उन्होंने विशेषकर कप्तान रानी रामपाल और गोलकीपर सविता पूनिया के खेल को बेहतर बताया। उन्होंने टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। आज भारत की टीम ब्रिटेन की टीम के साथ जो खेल खेला है, बहुत ही एक रोमांचक ये खेल रहा। दोनों टीमें लगभग बराबर थी, बहुत कम अंतर से, और ब्रिटेन की टीम जीत पाई है। फिर भी मैं हरियाणा की जो हमारी 9 खिलाड़ी इस टीम में थी, सब बहुत ही प्रशंसा लायक हैं। हमारी भारत की टीम बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, संजीदगी के साथ और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। भले हम कांस्य मेडल तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन यह कहीं कांस्य मेडल से कम भी नहीं है कि इस चौथे स्थान पर भी आने के लिए इतना संघर्षपूर्ण उन्होंने खेल किया, वास्तव में बेहतरीन है और प्रशंसा लायक है। मैं आज हरियाणा की जो 9 खिलाड़ी इसके अंदर, जिसमें कैप्टन रानी रामपाल भी इसके अंदर खेल रही थी और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे खेल का सृजन कर रही थी, और विशेष तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा गोलकीपर की, सविता पूनिया, ये भी बहुत ही बेहतरीन कई गोल इन्होंने बचाए हैं। तो मैं समझता हूँ इस बेहतर प्रदर्शन के, इस खेलने के कारण से मैं आज हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस अपने खेल को और बेहतर करते हुए अगली बार के किसी भी प्रदर्शन में और आगे बढ़े और गोल्ड का जो मेडल है वो जीत करके लाए, ये मेरी अपेक्षा है। आज इनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई।